नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि सर, मुझे टबैको का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना है, तो क्या मैं ऑनलाइन या मार्केटिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देखिए, टबैको के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, क्योंकि हम लोग टबैको से रिलेटेड लाइसेंस का गाइडलाइन करते हैं। इसमें लाइसेंस बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, या वेबसाइट से रिलेटेड जो उनका काम है, या मान लीजिए ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, ये सब का बहुत सारा काम होता है जो टबैको में हम लोग के पास आता है। बीड़ी का बोलिए, खैनी का बोलिए, जो भी बोलिए। तो गवर्नमेंट का रूल्स है कि आप कोई भी टबैको का प्रोडक्ट आप जो पब्लिक जगह है, पब्लिक सोर्स है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। यानी अगर कोई, जैसे हम लोग यूट्यूब पे करते हैं अपना काम, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लाइसेंस के बारे में, उसके चीज़ें के बारे में बताते हैं। कभी ये नहीं बताते कि मान लीजिए उसका डायरेक्ट प्रमोशन ब्रांड का हम लोग नहीं करते, चाहे कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये करने से क्या है, आपका चैनल, आपकी चीज़ें दिक्कत में आ जाएगी। तो कोई भी मान लीजिए इस तरीके से प्रमोशन नहीं करता है, और अगर आता है तो गवर्नमेंट या मान लीजिए जो भी कंपनी है वो एक्शन लेके बंद करवा देती है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप ना न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, ना सोशल मीडिया में कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में आपका तीनों आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाता है, फेसबुक भी आ जाता है, इंस्टाग्राम भी आ जाता है, बाकी भी जितनी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो बच्चा, आप इसका किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा उसके ऊपर बात आपके रुक जाती है। तो देखिए, इसका कुछ तरीका है। जैसे मान लीजिए आप न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के पोस्ट डाल सकते हैं, जिसमें आप अमाउंट बता सकते हैं कि कितने में, जैसे 50,000 में बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या 1,00,000 में बिजनेस स्टार्ट कीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर एरिया, ऐसे करके आप जो है अपना टैगलाइन बना के डाल सकते हैं। और उससे अगर कोई आपके पास क्वेरी आता है, तो फिर आप उसको बताइए कि हाँ, आपके पास बीड़ी, खैनी या इस तरह का ब्रांडिंग है, और आप लोग अगर इसका डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं या लेके बेचना चाहते हैं, तो हम लोग आपको डिस्काउंट में देंगे। ये एक तरीका होता है मार्केटिंग का, जो बहुत जगह देखा जाता है। और दूसरा है कि मान लीजिए आप मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू थोड़ा सा काम कर सकते हैं, कि आपने जितने भी एरिया में, जो एरिया में आपको काम करना हो, डिस्ट्रिक्ट में या मान लीजिए आपका स्टेट में, तो आप उसी स्टेट का जो होलसेलर का नंबर है, जैसे मान लीजिए FMCG प्रोडक्ट का, तो FMCG प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग ये सब डील करते हैं, तो आप उन लोगों से नंबर लेके, खरीद के मार्केट से बिकता है ये सब चीज़, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं, या एड्रेस पे जा सकते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, या सैंपल भेज सकते हैं। यही कुछ तरीका होता है जो आप अपना सकते हैं अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए। बाकी ऑफलाइन मान लीजिए किसी के ऑफिस में जाना कोई मना नहीं है, मगर सरकारी जगह चीज़ों में, जैसे पब्लिक में, न्यूज़पेपर में देना मना है, आपका सोशल मीडिया में देना मना है, ये सब जगह मना है। मगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, दुकान दुकान आप जा सकते हैं, आप चाहें तो फ़ोन करके अपना बातचीत कर सकते हैं, अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। ये सब कुछ तरीका है जो आप अपना के अपना टबैको प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डायरेक्ट आप इसका प्रमोशन नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके से आप इसका प्रमोशन चाहें तो कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट तरीके में हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको हमारा सर्विस चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप 9230222 पे कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग का सर्विस जो होता है पेड होता है, जिसमें मान लीजिए आपको हम लोग बता पाएंगे कि किस तरीके से आप बिजनेस कीजिए और किस तरीके से मार्केटिंग कीजिए। क्योंकि नहीं जान के मार्केटिंग करना भी, मान लीजिए उसमें क्या होता है, बिजनेस तो आप कर लीजिएगा मगर डूबने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जान के मार्केटिंग करने में क्या है, थोड़ा चीज़ें पता होती हैं, टाइम होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है सक्सेस आने में, मगर आपका बिजनेस सफल होता है। बिजनेस तो दोनों करते हैं, मगर एक आदमी काम करके आगे निकल जाता है, एक आदमी वहीं खड़ा हो जाता है, वहीं पे हो जाता है एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस की बात। आशा करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट्सअप कीजिए, बिजनेस रिलेटेड अगर कोई मैटर है, टाइम बुक कीजिए और जानकारी अच्छे से लीजिए, समझिए, उसके बाद अपने व्यापार को चालू कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।